हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th स्टैटिक्स में आज हमें जो चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर है आपका चैप्टर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कहीं पर किसी तरह का कोई भी डाटा है, हम उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। ठीक है बात, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा देखते हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या कहा है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेपरेटिंग दैम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। कि भाई हमारे पास जितना भी डाटा है हमें उसको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है और उसको एक प्रोसेस ऑफ अरेंज डाटा करना है, उसको एक अरेंज में लगाना है, सिक्वेंस के थ्रू उसको हमें अकॉर्ड रिकॉर्ड में रखना है कि उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और किस किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको रिलेट कर सकते हैं। मीन्स अगर मेरे पास किसी स्कूल का डाटा है तो मैं उस डाटा को किस तरह से क्लासिफाइड कर सकती हूँ, ठीक है। और उस डाटा को क्लासिफाइड करने के लिए मुझे उसको सेपरेट करना होगा क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें देखना है कि डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स, कि डिफरेंट होना चाहिए बट उसी के रिलेटेड पार्ट्स से हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि उसके क्लासिफिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट आता है आपका टू सिंप्लीफाई एंड कंसेंस टू मास ऑफ डाटा, कि भाई उसका जो डाटा है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंप्लीफाई होना चाहिए डाटा, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी हमारा डाटा सिंपल होगा उतना ज़्यादा ही हम उसको अच्छे से मेज़र कर सकते हैं, अच्छे से उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्लेन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ डाटा, जो भाई डाटा की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी होती है उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है। फैसिलेट कंपैरिजन, हमारे पास जितना भी डाटा है उसको कंपैरिजन किया जा सकता है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, मींस उनके बीच में किस तरह से हम करेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं कि वो एक दूसरे से लिंक करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको क्लासिफाइड करना। प्रिपेयर द डाटा फॉर टैबुलेशन, हम अपना डाटा जो प्रिपेयर करते हैं वो एक टैबुलेशन के थ्रू भी करते हैं, कि हमारे पास जितना भी डाटा है उसकी हमने एक टैबुलेशन तैयार कर दी। क्लियर है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्ट थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई हम क्लासिफिकेशंस के क्या क्या मेथड हैं और किस किस तरह से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। और देखो इसमें जियोग्राफिकल के साथ में मैंने नीचे भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एरिया, कि जो जियोग्राफिकल होता है वो अकॉर्डिंग टू एरिया पर डिपेंड करता है, कि भाई हमारी किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, किस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है। तो जियोग्राफिकल का मतलब ही जनसंख्या के बेस पर होता है, कि हमें जो डाटा देखना है वो अपने जनसंख्या के बेस पर देखना है, कहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, किस सिटी में कितने लोग रहते हैं और किस तरह से। मीन्स अगर जैसे अभी हम लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोविड चल रहा है, तो कोविड के अकॉर्डिंग हमें अगर कोई एक एरिया दे दिया जाए और उस एरिया के साथ में हमें बताया जाए कि आपको इस एरिया में देखना है कि यहाँ पर कितने कोविड पेशेंट रह चुके हैं या थे, है ना, जो भी कुछ है, तो वो हम किसके बेस पर देखेंगे, जियोग्राफिकल के बेस पर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है मीन्स डेट वाइज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, मीन्स डेट, ईयर, डेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कालानुक्रमिक या तिथि अनुसार जो भी डाटा हमारे पास होगा, कि किस ईयर में क्या डाटा आया था, किस डेट में क्या डाटा है, किस डेज में क्या डाटा है। जैसे जो भी अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता भी होगा कि हम डेट ईयर वाइज भी अपना सारा डाटा रिकॉर्ड रखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटिव अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट। क्वालिटिव का मतलब होता है कि गुणात्मक, मेल या फीमेल, हम कुछ ना कुछ हर किसी की क्वालिटी को देखते हैं कि भाई उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें किस तरह से वो किस क्वालिटी के बेस पर अपना काम करते हैं, मीन्स हम उनके गुणों को देखते हैं, तो यहाँ पर भी ये चीज़ आती है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्वांटिटिव क्लासिफिकेशंस में आता है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारी किस चीज़ की क्या क्वांटिटी हो सकती है, जैसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। भाई क्वांटिटिव मीन्स मात्रात्मक, तो हम इसको मेज़र भी कर सकते हैं, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गई, मार्क्स हो गए, है ना, जिन चीज़ों को क्वांटिटी
देखी जा सकती है। तो ये हमारे फोर मेथड थे, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, होप्स आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं स्टैटिकल सीरीज की। स्टैटिकल सीरीज में आता है द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डाटा इज सम लॉजिकल ऑर्डर, कि भाई जितना भी डाटा स्टैटिकल सीरीज में होता है, जितना भी डाटा हम अरेंजमेंट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, वो सब एक लॉजिकल ऑर्डर के बेस पर होता है, लाइक अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मीन्स स्टैटिकल सीरीज में हमारा जो डाटा होता है वो किस बेस पर होता है, एक लॉजिकल ऑर्डर के बेस पर होता है, अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू टाइम, कि भाई साइज और टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाता है, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं और नॉन मेजरेबल भी होता है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स ही हमारी क्या कहलाती है, स्टैटिकल सीरीज कहलाती है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज। अब भाई जो हमारे स्टैटिकल सीरीज है वो हमारे टू टाइप्स से है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करती है और कुछ कंस्ट्रक्शंस बेसिस पर भी डिपेंड करती है। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स पर क्या क्या आते हैं हमारे, टाइम सीरीज। ठीक है, टाइम सीरीज में क्या आता है, इट इज़ द स्टैटिकल सीरीज इन विच डाटा इज प्रेजेंट विद रिगार्ड टू टाइम यूनिट, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग, डे, वीक, मंथ एंड ईयर, जो भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जो भी डाटा हमारे पास सीरीज में रखा जाएगा वो हमारा टाइम सीरीज बेसिस पर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्पैटिकल सीरीज। स्पैटिकल सीरीज का मतलब होता है कि लोकेशन, कि एग्जिट लोकेशन के बेस पर हमें अपना डाटा रिकॉर्ड रखना है, कि कहाँ से किस तरह से हमारे पास कोई भी गुड्स, कोई भी जो भी हमारे पास डाटा हमें रिकॉर्ड रखना है वो रिकॉर्ड। ठीक है, कंडीशन बेसिस पर, इन द सीरीज डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑक्यूरिंग अंडर सर्टेन कंडीशन। भाई यहाँ पर हमारा जो कंडीशन बेसिस पर डाटा होता है वो सेम एज है, एज, हाइट एंड वेट के बेसिस पर होता है, कि हमारे पास क्या कंडीशंस हैं। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक आपकी समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, अब सीरीज की बात करते हैं। स्टैटिक्स में आपकी सीरीज मस्ट होती हैं, तो सीरीज को बहुत ध्यान से समझना। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, तीन सीरीज होती हैं आपकी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस सीरीज। अभी हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज हमारी कंस्ट्रक्शन बेस पर जो है, अभी आपको बताया था ना कि आपकी जो सीरीज होती है, आप जो आपका सीरीज है करेक्टरिस्टिक्स पर तो बता दी, टाइम, स्पेटिकल और कंडीशन है, कंस्ट्रक्शन बेस पर आपकी सीरीज आती हैं, जैसे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज रेफर टू दैट सीरीज इन विच आइटम आर लिस्टेड सिंगल, ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कि इंडिविजुअल सीरीज जो है वो एक लिस्टेड सिंगल है और ईच आइटम सेपरेट, या मीन्स उसको क्या है, हर एक आइटम को सेपरेट करके दिखाया जाता है, जिसको हम इजीली मेज़र भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन क्लास 11, ठीक है, आर क्लास 11th आर गिवन इंडिविजुअली, ये 10 स्टूडेंट्स ये हुए हैं किसके, क्लास 11th के, तो यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर सीरीज जो आपको दिखाई गई, ये कौन सी सीरीज है आपकी, इंडिविजुअल सीरीज है, बहुत ईजिली पता चल रहा है ना। डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय डेफिनेट अमाउंट। बाई डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि हमें दो सीरीज दे देंगे वो, एक साइड एक्स और एक साइड एफ, ऐसे भी दे सकते हैं, या इसी सीरीज के साथ में उसने एक एक्स वन दे दिया और एक एक्स टू दे दिया, तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगी। अभी जब आपके क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें भी बहुत अच्छे से बता दूंगी कि कौन सी सीरीज किस तरह से है। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज, अ कॉन्टीन्यूअस सीरीज दैट सीरीज विच रिप्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल शोइंग रेंज ऑफ वैल्यू डिफर आइटम ऑफ द सीरीज। कॉन्टीन्यूअस सीरीज जो होती है वो आपको ग्रुप में मिलती है, मीन्स जैसे ये दे दिया 0 से 10, 10 से 20, तो ये आपकी कॉन्टीन्यूअस सीरीज होगी। आगे आगे जैसे कंडीशन आएंगी वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। क्लास लिमिट्स, कुछ क्लास लिमिट्स भी हमारी कॉन्टीन्यूअस सीरीज में आती है, द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद अ क्लास इज कॉल्ड क्लास लिमिट। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि 0 से 10, अभी इन्होंने क्या कहा है, द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी हमारी 0 और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी हमारी 10, तो ये हमारी क्लास लिमिट होती है।
ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज नोन एज क्लास इंटरवल। यहाँ पर आपकी क्लास इंटरवल की बात हो रही है, मीन्स जो आपके L1 और L2 को डिनोट करते हैं, क्लास इंटरवल को हम L1 और L2 से डिनोट करते हैं। ये भी आपके क्वेश्चंस में आगे आएंगे तब आपको बता दिए जाएंगे। अब अगर आपको क्लास इंटरवल निकालना है कहीं पर किसी क्वेश्चन में, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस एंड माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ क्लास डिजायर, मीन्स किसी की सीरीज है 10 से 20, ठीक है। तो ये तो L1 हो गया और ये इसका L2 हो गया, और सीरीज का नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ क्लास डिजायर है हमारे पास 10। तो हम कैसे करेंगे, 10 माइनस 20 अपॉन 10, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सीरीज को ये डिफाइन कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस में आएंगे, क्वेश्चंस में करके दिखा दूंगी मैं, ठीक है। रेंज, द रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास लास्ट क्लास इंटरवल। देखो रेंज क्या होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसको डिफाइन करने के लिए उनका बीच का जो डिफरेंस होता है वो लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। अभी वो 0 से 10 वाली बात जो मैं बता रही थी आपको, वो सेम यहीं पर है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल इफ़ क्लासेज आर 0 से 10, 10 से 20, द रेंज 8, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अब हमें इसमें मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकालना होता है तो हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमें कोई सीरीज दी है 10 से 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें मिड वैल्यू निकालनी है, तो 10 प्लस 20, ठीक है, 10 प्लस 20 कर देंगे और अपॉन कर देंगे 2 की वहाँ पर जो भी सीरीज होगी, ठीक है, अपॉन 2। तो इसको हमने 30 डिवाइड बाई 2 किया तो इसकी जो मिड वैल्यू निकल के आई वो 15 निकल के आई। कितने निकल के आई, 15 निकल के आई, क्लियर है बात। तो ये हमारा मिड वैल्यू या मिड पॉइंट कहलाता है जो क्लास इंटरवल के बेसिस पर निकाला जाता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेफर टू नंबर ऑफ आइटम और ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद अ पर्टिकुलर क्लास। फ्रीक्वेंसी हमें एक नंबर ऑफ आइटम दिया जाता है, जैसे मैं आपको फ्रीक्वेंसी करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दे दी, एक्स है ये, और यहाँ पर 10, 20, 30, 40, ये तो एक्स हो गया, और ये एफ है, मीन्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2, 3, 4, 5, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जो है मीन्स अगर किसी के पास जो भी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी की संख्या 2 होगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट 10 का है और हम उसको 2 में डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्व करते हैं नंबर ऑफ आइटम में कि हमारे पास कितने आइटम या कितने प्रोडक्ट उसके हैं एक पर्टिकुलर क्लास के, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एक टेबल के थ्रू, विच शो हाउ टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूट, कि भाई उस डिफरेंट वैल्यू के साथ में किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट क्लासेस में अलोंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग या क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ में, कि उसके साथ में हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं, किस तरह से हमें वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉरेस्पॉन्डेड टू अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। क्लास फ्रीक्वेंसी भी हमारी सेम है, कॉरेस्पॉन्ड करती है कि भाई हम अपनी क्लास फ्रीक्वेंसी को किस तरह की क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करें। देखो एक तो हो गई हमारी एफ और एक होती है हमारी सी एफ, इसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। जो आपकी क्वेश्चंस में आएगी तब आपको डायरेक्ट एग्जांपल करके बता दिया जाएगा किस तरह से हम इसको मेज़र करते हैं, किस तरह से हम इसको काउंट करते हैं या क्वेश्चंस किए जाते हैं इनके, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज की, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज आर मेनली ऑफ फॉलोइंग टाइप। कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी टाइप्स बताए गए हैं उसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, लेस देन एंड मोर देन, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज एंड मिड वैल्यू सीरीज। ये सब हमारी कौन सी सीरीज होती हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक टेबल भी दिखाई गई और आपकी बुक में भी है,
एक्सक्लूसिव सीरीज़ कौन सी होती है, क्लास ऑफ टाइप। यहाँ से मैंने भी बताया था आपको कि कंटिन्यूस सीरीज़ में बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं, उनमें किस किस तरह से होता है। 10-20 और 20-30, तो ये हमारी कौन सी सीरीज़ होगी, एक्सक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव में 10 से 20 तक है और 20 से ही फिर दूसरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इंक्लूसिव में क्या होगा, 10 से 19 और उसके बाद 20, मीन्स यहाँ पर डिफरेंस पता चल रहा होगा आपको कि एक्सक्लूसिव में और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस है। वो 20 पर ख़त्म होकर 20 से ही स्टार्ट है, ये 90 पर ख़त्म होकर 20 पर स्टार्ट है, क्लियर है बात। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो भी सीरीज है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी, वो लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही हम फ्रीक्वेंसी में जोड़ते चले जाते हैं तो वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। लेस देन एंड मोर देन सीरीज, ठीक है, मीन्स एक सीरीज हमारे पास 10 है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है और CF हमारे पास 5 है, तो हमारी जो CF अब निकल के आएगी वो हमारी 15 होगी, तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, CF बोलते हैं हम जिसको, संचयी बारंबारता। लेस देन एंड मोर देन सीरीज, इक्वल क्लास माइनस इंटरवल क्लास, ठीक है, इक्वल क्लास के साथ में हमारा इंटरवल क्लास आ जाएगा इसमें। क्लास आर द सेम इंटरवल, इसमें आता है हमारा अनइक्वल क्लास और इंटरवल सीरीज, ठीक है, ये दोनों। अनइक्वल क्लास में आता है आपको क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल, कि भाई वहाँ पर हमारी जो इंटरवल क्लास होगी 0 से 10 वाली जो सीरीज़ होगी वो इक्वल नहीं होती। मेन जो आपको ज़्यादा पढ़ना है एक्सक्लूसिव सीरीज़ के बारे में, इंक्लूसिव सीरीज़ के बारे में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में और ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये चार आपके लिए मस्ट हैं, ठीक है, और ये चार ही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर 4 में आपकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी आपकी इतनी है और इसकी न्यूमेरिकल पोर्शन की भी एक वीडियो आपके पास आएगी जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, सुननी है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।